यूट्यूब के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम लोग यह जानते हैं कि जब आप विशेष रूप से अपने आराध्य का पूजन करने के लिए चलते हैं, अपने आराध्य इष्ट का पूजन करते हैं, तो उस समय तिलक लगाने की आवश्यकता होती है और विशेष तिलक ही लगता है। तो कौन कौन सा तिलक कैसे कैसे लगाना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, अमूमन हमने पूजा पाठ में देखा है कि जब भी कोई तिलक लगाता है तो उसको गोल तिलक लगा देते हैं, कैसे भी मर्जी लगा देते हैं, साफ तिलक से मतलब नहीं। हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष महत्व दिए गए हैं तिलक के बारे में, और आपको ये जानना भी जरूर चाहिए। ये आपके कार्य की बात है, आपके काम की बात है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर। आप अगर अपने आराध्य का पूजन कर रहे हैं तो हमें कैसे तिलक लगाना चाहिए, ये नहीं कि गोल तिलक लगा दिया, पंडित जी तिलक लग गया, नहीं। अगर आप राधा कृष्ण के भक्त हैं, सीताराम के, वैष्णव समाज से हैं, तो आपने देखा होगा दो ऐसी खड़ी तिलक लगती हैं, वो राधा कृष्ण का स्वरूप, सीताराम का स्वरूप माना जाता है। आप ऐसा तिलक अपने माथे पर लगाइए। और दूसरा, अगर आप शैव हैं, भगवान महादेव के भक्त हैं, तो आपको त्रिपुंड अपने माथे पर लगाना चाहिए। और तीसरा, यदि आप देवी के उपासक हैं तो आपको गोल बिंदी की तरह तिलक लाल वाला अपने माथे पर लगाना चाहिए। ये तीन प्रकार के तिलकों की महत्वता हमारे ग्रंथों में बताई गई है। तो इस तरह से आपने देवी देवताओं के निमित्त तिलक लगाना चाहिए, और तिलक कौन से उंगली से लगाना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आई लिंक में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि पितरों को कौन सी उंगली से तिलक लगाना चाहिए, देवताओं के लिए, स्वयं के लिए, अतिथियों के लिए कौन सी उंगली का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ आपको मैंने पिछली वीडियो में, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह से अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने इष्ट मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आप सभी लोगों को अनंत अनंत कोटि वंदन।